दोस्तों वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आज की वीडियो एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो होने वाली है। दोस्तों आपको पता ही होगा, ऑलरेडी मैंने आपको इस टब के अंदर जेली बैफ बना के बताया था, तो वो सैन कलर वाला था, तो ये ब्लू कलर वाला आज हम जेली बैफ बनाएंगे। और यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त रेसिंग बोट है, और ये रही एक सेल बोट। और तो ये वीडियो भी मैंने ऑलरेडी डाल के रखी है, आपने टू डेज पहले देख ली होगी गाइस। ये एक माइक्रो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट कार है, तो इस कार को मैं इस बॉल के अंदर डालकर इस जेली बैफ के अंदर चला के भी बताऊंगा, देखते हैं ये चलती है या नहीं। पहले हम जेली बैफ बनाते हैं, तो यार वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वीडियो है। तो ये रहा हमारा जेली बैफ, और ये इसे क्लियर करने के लिए होता है, आपको पता ही होगा गाइस। आपने जेली बैफ की पूरी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर से देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसे कट कर लेते हैं, पहले हम जेली बैफ बनाते हैं, उसके बाद में रेसिंग बोट चलाएंगे, उसके बाद सेल बोट चलाएंगे, उसके बाद में ये बॉल को भी इसके अंदर चला के देखेंगे किस तरह से चलता है। तो चलिए पहले मैं आपको जेली बैफ बनाना बता देता हूँ, तो इस सारी चीज को इसके अंदर डाल देते हैं। तो इसे बनने में 10 मिनट्स का टाइम लगता है, 10 मिनट्स तक वेट करेंगे, उसके बाद में इसके अंदर रेसिंग बोट भी चला के देखेंगे। तो भाई लोग यहाँ पे 10 मिनट्स हो चुके हैं, देखते हैं हमारा जेली बैफ बना है कि नहीं। तो यार इसको आप स्लाइम भी बोल सकते हो, ये एक तरह का स्लाइम ही होता है। लगता है यार इसके अंदर मैंने पानी थोड़ा ज्यादा डाल दिया है, तो देख सकते हो हमारा जेली बैफ तो बन चुका है यहाँ पर काफी अच्छे से। आप चाहे तो इसके अंदर नहा भी सकते हो। तो देख सकते हो गाइस हमारा जेली बैफ पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो चलिए अभी हम इसके अंदर हमारी रेसिंग बोट को दौड़ा के देखते हैं चलती है कि नहीं। तो ये रही हमारी रेसिंग बोट गाइस। आपने अगर इसकी फुल अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसे देख भी सकते हो। इस बोट को मैंने बहुत ही बड़े तालाब में चलाया था, बहुत ही मस्त वीडियो यार, जाकर जरूर से देख लेना। आप अगर इसे खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। मैं यहाँ पर आपको जो भी चीजें बता रहा हूँ सारी चीजों का लिंक और फुल अनबॉक्सिंग वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करने पर मिल जाएंगी। तो देखते हैं हमारी बोट को चलाकर इसके अंदर। ओ भाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से दौड़ रही यार। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बोट है। यार मजा आ गया, बहुत ही अच्छी तरीके से दौड़ रही है ये बोट इसके अंदर। तो माय डियर फ्रेंड्स ये रेसिंग बोट एकदम कमाल की चल रही है यार इस जेली बैफ के अंदर। तो हमारी सेल बोट को भी चेक करते हैं वो चलती है कि नहीं। तो ये रही हमारी सेल बोट, इसे रख देते हैं इसके अंदर। यार इसका तो बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है सही से। अरे यार तो कोई नहीं, इसे लगाकर ही देखते हैं एक बार चलती है कि नहीं। भाई साहब ये तो बैलेंस ही नहीं कर पा रही है सही से, देखते हैं थोड़ा भी चलती है कि नहीं हमारी बोट। तो यार मेरे को तो लग रहा है कि बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो यार बिल्कुल भी पावर ही नहीं है इसके अंदर। आप लोगों ने भी इसका वीडियो देखा होगा गाइस, बहुत ही बेकार किस्म की बोट थी ये, तो देख सकते हो बिल्कुल भी इसकी मोटर घूम ही नहीं रही है।
तो यार चलो कोई बात नहीं, इसे निकाल लेते हैं वाटर से बाहर। अभी टेस्ट करेंगे हमारी माइक्रो कार को, इसके अंदर डालकर देखते हैं ये कार कितनी देर तक सरवाइव कर पाती है इस जली बाफ के अंदर। तो ले लिया मैंने इसका बॉल, इसे डाल लेते हैं सेकंड गियर के अंदर। इसे बंद कर देता हूं मैं, इसे मैंने अच्छे से लगा दिया है यार, बस पानी ना घुस जाए इसके अंदर। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से दौड़ रही है। वाह यार मजा आ गया। वाह भाई दोस्तों, ये तो बहुत ही गजब तरीके से दौड़ रही है इसके अंदर, आप देख सकते हो। हर बार डालते हैं इस जली बाफ के अंदर इसे। ओ भाई कमाल है यार। तो माय डियर दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया ना, ये कमाल की बोट सच में जबरदस्त है यार, एकदम कमाल की दौड़ रही है इस जली बाफ के अंदर भी। तो दोस्तों ये माइक्रो कार ने भी एकदम कमाल ही कर दिया यार, बिल्कुल भी खराब नहीं हुए, अभी भी बिल्कुल सही से काम कर रही है ये कार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस जली बाफ के अंदर तैर रही थी। तो यार ये चीज मुझे सबसे बढ़िया लगी। तो दोस्तों आपको इन सारी चीजों में से कौन सी चीज अच्छी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो दोस्तों चलिए अभी दे देते हैं हम शाउट आउट। तो गाइस कल मैंने चॉम्प टॉय गेम अनबॉक्स की थी, वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो जाकर जरूर से देख सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है पंकज, आदिराज देव, वेदांग शर्मा, आशीष सिन्हा, मिथिलेश सिंह, शरद, अब्दुल बासित, आद्विक गार्ग, प्रिंस हनाफ इब्ना, रिम्बिक बैनर्जी, रफसान शारियार, वैभव हर्षा, हार्दिक अरोरा, चंद्रशेखर परिदा। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, और ये वीडियो आपको पसंद है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कर देना। तो गाइस यहाँ पर तो हमने जली बाफ बना ली है, तो अभी इस जली बाफ को हम इसके अंदर से गायब भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में ये पाउडर दिखाया था, जैसे हम ये पाउडर इसके अंदर डाल देते हैं तो आप देख सकते हो लिखा है स्टेप टू, जली बाफ बनाया था हमें स्टेप वन के अंदर। तो जैसे ही मैं पाउडर इसके अंदर डाल दूंगा, यहाँ से सारा का सारा जली बाफ गायब हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर आपको पानी ही दिखाई देगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका पाउडर, सारा पाउडर डाल देता हूँ मैं इसके अंदर। हमें और 10 मिनट्स तक वेट करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो 10 मिनट्स हो चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ बचा है अभी पानी, हमारा जली बाफ पूरा खत्म हो चुका है इसके अंदर से। यार वीडियो पसंद आई तो जरूर से वीडियो पर लाइक कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है खत्म, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और कुछ धमाकेदार टॉयज के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।